ये लीजिए जी, अमृता है। अमृता को पेट में दर्द है और सूजन है। हम अमृता का यज्ञ करेंगे, उसके बाद यज्ञ की महत्ता को जानेंगे कि अमृता के वो दर्द ठीक होते हैं। अगर वो डॉक्टर के होंगे तो इसको आराम नहीं पड़ेगा थोड़ा सा भी, लेकिन अगर डॉक्टर के नहीं होंगे, प्रेतादिकों के कारण होंगे, पितरादिकों के कारण होंगे, तो अमृता के दर्द में आराम। अमृता, अमृता ही तो बोल रहा हूँ मैं, अमृता, अमृता ही बोलना है। ऐसे नहीं, ऐसे बोलना, अमृता नहीं बोलना है, अमृता बोलना है, है ना? अमृता, तो अमृता के पेट में दर्द क्या है, क्यों है, ये पता करते हैं। अमृता तो आंख में देख के रो पड़ी, तब फिर दर्द किस लिए होंगे ये भी पता है, इसलिए होंगे। जब भी डॉक्टर को दिखाओ तो सूजन ही बताएगा। आप आए साथ में, कौन है अमृता के साथ में? अमृता के साथ वाला है क्या कोई? है अमृता कोई साथ में आया? तो रो क्यों रही है तू? दो काम हो रहे, एक रो रही है और दूसरा ये भी, दूसरा एक मन सुन रहा है कि मेरा पति आया। जैसे आदमी बोलता है मुंह से लेकिन मन से भी साथ में बोल सकता है, उसी तरह इसके साथ ये ड्यूअल पर्सनैलिटी होगी। डॉक्टर इसको क्या बताएगा बताइए, और रोग के लिए कौन सी दवाई देगा बताइए। कभी डॉक्टर के सामने ऐसे रोई है? नहीं। तभी तो डॉक्टर ने तुझे पागल नहीं कहा, वरना तो अब तक पहुंचा देता तुझे आगरा तक, कई शॉट भी लगा चुका होता। नहीं, आप नारायण साकार हरि के यहाँ गए थे? कहाँ गए वो साहब? आप गए थे वहाँ? आप बता तो रहे थे, हम गए थे, हमने पूछा। पड़ोस में रहते हैं, वो जाते हैं। आराम पड़ गया उनको, तो भगवान हो गए होंगे। उन्होंने ट्रीटमेंट कराया अलग के द्वारा, अपने ट्रीटमेंट कर। आपके पिता नारायण साकार हरि के यहाँ जाते हैं? बता माता, कई बार गई। आपको वहाँ से कुछ भी लाभ हुआ? 0% भी? कुछ भी नहीं हुआ। और बताओ, मैं तो नाम ही नहीं जानता था, मुझे तो उसका भी नाम पता चला मीडिया में। आप वहाँ गए थे नारायण साकार हरि के, आपके 0% कुछ भी लाभ हुआ? आराम नहीं हुआ, नुकसान हो गया। नुकसान और हो गया। आप गई थी वहाँ बहन जी? आपको कितना आराम लगा वहाँ से? भगवान तो मांडा बंद कराता है, वो आप भी भगवान बन जाता है। कोई ये कह देते हैं कि भगवान की पूजा मत करिए, मेरी पूजा करिए, मेरी पूजा करिए, भगवान की पूजा मत करिए। हाँ, यही कहते हैं। एक भगत ने तो यही कहा था उनको कि जैसे हनुमान जी है, शंकर भगवान जी है, ये तो नारायण साकार हरि और भोले बाबा के चरणों की धूल है, ये तो उनके आगे झाड़ू पाड़ू लगा के करते हैं। तो फिर सेवक भी हनुमान जी से बड़े हो गए उसके तो। नहीं, अपने घर में किसी को मत पूजो, नारायण साकार हरि को मानो, वो सारे रोग दूर करेगा। उसकी भैंस मर गई, तेरा भी नुकसान हो गया, ठीक है। इसके मम्मी पापा से ये बेटी ठीक नहीं हुई। सर्वेश्वर, खड़े हो जाओ, वहां नहीं जाना है, सामने खड़े हो। क्या हो रहा है बताओ मुझे। अमृता दर्द कहाँ है? है कितना दर्द? आंखों में देखो, अमृता आप रो क्यों रहे? रोने पे बस नहीं है आपका, रोना आ रहा है, इसका मतलब कोई आपके साथ रहते हैं, वो जाना नहीं चाहता, इसलिए आपका रोने पे बस नहीं है। इसकी खोज लेकिन डॉक्टर करता नहीं है,
उसको तो ये मतलब है कि मुझे दवाइयाँ देनी है, इसलिए ये लड़की ठीक नहीं हो रही है। कितने साल डॉक्टर को दिखाया बताइए? तीन साल से डॉक्टर को दिखाया, रत्ती भर का आराम नहीं पड़ा, उल्टे दर्द बढ़ते गए। मैंने झूठ तो नहीं बोला? नहीं। क्या हो गया? दर्द बढ़ते चले गए। हमें जाना चाहिए कहाँ तक? वहाँ तक जहाँ इसका रोना बंद नहीं हो जाए और ये अपने होश में ना आ जाए और आके ये ना कह दे कि दर्द नहीं है। तब इससे क्या सिद्ध होगा? प्रेत भी था, क्योंकि भगवान के नाम से ठीक हुई तो भगवान का नाम भी है और भगवान भी सार्थक है कि नहीं? तब दोनों ही चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं उस अवस्था में आके। ठीक है, फिर भी मूर्ख लोग क्या कहेंगे कि अंधविश्वास है, ढोंग है और ढकोसला है, क्योंकि भारत की जनता से ज़्यादा मूर्ख मैं देखता नहीं किसी को। एक आदमी नारायण भी बन गया, साकार हरि भी बन गया, शिव भोले भी बन गया, सबको पुजवाना बंद कर दिया, खुद ही भोले बाबा बन गया, खुद ही नकली चक्कर धारण कर लिया, बोले भैया तो चक्कर है असली, खुद है खुद ही बिजलियाँ गिराने लग गया, परलय करने लग गया खुद ही कि मैं परलय कर दूंगा, ऐसे भी बोलता है, ये कर दूंगा धरती से पाप का नाश कर दूंगा, ऐसे बोलता हुआ देखा है। भाई दरअसल वो पुलिस में था, उसको पता था लोग कैसे कैसे करते हैं, कुछ भी कर लिया उसने, क्या दिक्कत है? एक नुस्खा आजमाया, सफल हो गया उसका। ये आज भी आपको ना दूरदर्शी क्षेत्रों में हो जाएगा, आप चार दिन में लोगों के चार रोग ठीक करके वहाँ कितनी भी भीड़ लगा सकते हो। अमृता को देखिए, किसी और चीज पे ध्यान नहीं दीजिए। अमृता ऐसे क्यों कर रही है बताइए जरा, ये अभी थोड़ी देर पहले ठीक किया, अब इसको क्या हुआ बताइए जरा।
से। कोई बात नहीं बहने, देखो अमृता खड़ी हो बेटी, खड़ी हो, ये बहुत सारा नहीं है, कुछ नहीं, बैठ जाओ। रहा है समझ में आ रही है जी, मैं सुन रही थी, रोने का मन कर रहा है। ये ऐसे हाथ क्यों मारे, इतनी सारी चूड़ियाँ आपके हाथ की ना मोल गई हैं, देखिए कितनी सारी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ऐसे करके दिखाओ आप हाथ, और भी कई होंगी इधर उधर पड़ी होंगी, पीछे डाल दो, ये खून लगा हुआ है ना, ब्लड निकल गया। ऐसी हालत में आप पहुँचे कैसे, आप चाहते हैं ऐसे ही करते रहे सारी उम्र, डॉक्टर ने आपको क्या बताया, माइक, पेट में सूजन, पेट में सूजन है तब ये हुआ। अभी मुझे बताइए पेट में दर्द है क्या, कहाँ गया पता नहीं है अमृता को कि पेट का दर्द कहाँ गया, पहली बात तो आप कहां तक पढ़े हैं, इंटर तक पढ़े, खड़े हो जाइए, आपके पति भी थोड़े बहुत पढ़े लिखे, वो कहां तक पढ़े, अच्छा वो क्या करते हैं, विदेश में रहते हैं, तब आप यहां अकेले रहते हैं, तब आपके यहां पर लेकर हैं, आप कब से बीमार हैं, 3 साल से डॉक्टरों से आप ठीक नहीं हुए, क्या आपने किसी भक्त को, शाने को, किसी बाबा को दिखाया अपने, क्या बोलते हैं वो 3 प्रेत है तो आपके निकाले नहीं उन्होंने, कितने दिन आप भटकते रहे, बहुत सब जगह भटकना ही लिखा है, क्या लिखा है, भटकना लिखा है, प्रेत किसी से निकलता ऐसे ही घिस घिस के जाएगा, फिर भी अगर किसी को जल्दी है कोई चला गया तो वो कभी ठीक नहीं हुआ। मनु भैया के यहाँ से बहुत सारे लोग गए, लोगों ने बहका दिया, फुसला दिया, सारे यही आ गए, नहीं आए तो वे बहुत सारे उनमें से कई मारे गए, लेकिन तत्व एज इट इज बाकी रहा, और उस तत्व ने आगे आपकी पीढ़ी को खत्म करना फिर चालू कर दिया। वो तो चाहता है कोई इसको मारने वाला मिले ही नहीं धरती पे, चाहता है कोई मुझे कोई मार दे, कोई मारने वाला धरती पे मिले ही। अमृता हम कैसे माने तेरे पेट में अभी दर्द है, आपको हम करके दिखाते हैं, कोई लड़की है भाई कौन आएगी, इसके पेट को ऐसे दबा दबा के देखो उंगलियों से दर्द है, नीचे से नीचे दर्द होते हैं, कहाँ दर्द होते हैं,
हाँ अभी है, अभी है और कहाँ है? नीचे जो था नीचे नहीं। अरे इसका पति है क्या? कौन है इसके पति? दबाओ दबाओ, अभी हाजरी है, अभी हाजरी है, अभी इसके पति को बुला के लाया जाए। अमृता के पति जो है आ
रो कह रहा है भाई। आज इसका कौन सा दिन? हट हट सारा, मैं सिंदूर, अरे मेरा पजामा खराब कर दिया। अरे बाबा इसलिए तो भागते हैं मेरे साथ, कौन अपने वस्त्र खराब कर रहे, रोजाना वॉशिंग मशीन भी खराब हो गई, सारा सिंदूर मेरे पजामे में भर दिया। और ये लगा रखे, ये लगा पहले कभी ऐसे खेली थी, हाजिरी आई थी नहीं है, पहली बार आई, रोती थी कभी, यही रोता था, मैं रोता था। वो चुप। Oh!
से ये लड़की है, ये लड़की है, वो है, ये तीनों नहीं आई है ना बिल्कुल। तो कब आई थी बेटे? कल आई थी, 2 दिन पहले आई थी। और वो कब आई है? छठवीं बार आई है। पर ये नई नई सी लग रही है, मैंने पहले कभी देखा नहीं ना इसको, सामने बैठा के। वो भी नहीं आई है ना, वो किसके साथ आई है? हाँ तो अभी आई है ना, ये पहला वो है ना, चौथी बार, चौथा दिन है, पहली बार आई है, आके रुके हो कहाँ से? आपका कौन सा था? क्या बताया आपके पास? मेरे से पूछा चुप तो मैं बता देता हूँ, कभी बता ना पाए। तेरा सास का कि इसका सास का? ऐसे क्यों बोलते जब जानते नहीं तो चिंता काहे बता रहे? हम बता दिए। इसकी मम्मी बीमार रहती है? मम्मी नहीं रहती, मेरी मम्मी। इनकी मम्मी नहीं रहती? मम्मी रहती है, मम्मी रहती है। शाम में दाद किसको? चिंता को या इसको? इसका मम्मी का इस बात की नाम है। सब किसी का दादा रहता है वहाँ पर भी, सब इसका दादा है ना, आपको बोल रहा है। क्या नाम है? एक कुमारी है। हाँ कुमारी है, उसी को भी बहुत दर्द होता है। समझ में, माँ से चली हुई है चीजें। भाई भी एक है मेरा, उसको भी बहुत झगड़ा होता है। 5 साल पुरानी का भाई है तो बचपन से चल रही है इसके साथ। बहन को भी है, उसकी भाई को भी होगा, और उसकी बहन को भी होगा, माँ को भी है, इधर तेरी माँ को भी हो गया। आ गया ना निगेटिविटी का। इसकी माँ को जब से है जब ये बच्चा था, इसका मतलब सारे घर परिवारों में फैल गई चीज, और निगेटिविटी हो गई, विस्तार हुआ नहीं, निकालने का कोई साधन हुआ नहीं, डॉक्टरों ने इसको माना नहीं, हम लोग बेवकूफ बने रहे और घर घर में निगेटिविटी, शरीर शरीर में घुस। इतने लोगों का पागल होने का क्या मतलब है? 16 से देखता हूँ आपको। 2016 से जब मैं फर्स्ट बार सऊदी में गया था ये मुझे देखता हूँ। तो ये बोले कि मेरा उधर ही इलाज है, मैं उधर ही जाऊँ। दरअसल यूट्यूब के सारे चैनल तो जब चले हैं, जब वो चाइना का वो जो मोबाइल था ना, क्या नाम है वो, खत्म हुआ। प्रीतम भैया थे ना, जब वो चाइना का वो मोबाइल खत्म हुआ 2007 में मैंने चैनल बनाया था। भाई बहन उससे पहले एक ही साल हुआ था यूट्यूब को चलते हुए, 1.5 साल। कट कर मरे जाएंगे,
सब झगड़ा करते करते मरे जाएंगे, वो पटता नहीं है किसी में, मरे जाएंगे सब कोई, मरे जाएंगे एक दिन, मरे जाएंगे सब कोई, मरे जाएंगे एक दिन, मरे जाएंगे गणेश जी। को भी शरीर में अंदर रहते रहते चिंता होने लगी इसके घर की। चिंता नहीं होगा, इसका चाचा है तो चिंता नहीं होगा। पेट में दर्द है, चाचा पेट में दर्द है, चाचा है, मार दिया हमने तब इसको पकड़ लिया, तो चिंता नहीं होगा। तेरी भतीजी है इसलिए रोता है इसमें। मेरी भतीजी के साथ कहाँ रहता है? तो मेरे को कर दिया गया कि जो अपने भतीजी के पास जो तंग कर, सब किसी को तंग कर, तो हम इसके पास चले आएंगे। भेजा किसको बगल में कहे, वही ने भेज दिया। तेरा क्या नाम है कुछ अच्छा? मेरा सिलेंडर नाम है। क्या नाम है? सिलेंडर नाम है की शादी हुई है, तू सरेंद्र को भी अपनी पत्नी बना रहा है, तू इसकी पत्नी है सरेंद्र, तो तेरा चचिया ससुर है भाई, बैठ जानी ठीक। अभी तो कहता दामाद को भी मारूंगा, तेरा दामाद हो गया जात का हीर है, असल हीर है, मार देगा हर किसी को। ये कौन सी कला दिखाई तू, काली से गोरी हो गई एकदम से।
अरे तो बहुत काली थी भाई, बता तू ही, अब तू भी गोरी हो जा, कुछ तो हो गई है थोड़ी सी और हो जाए। इतनी गोरी कैसे हुई, कौन सी क्रीम काम कर गई? पहले ही मर गया था ससुर, पैर दबाऊं तेरे? समाज पैर दबाते हैं, चल भाई गोड़ लग। एक बात मानना इसकी, ये जहाँ जाए वहीं जाना, ये जो कहे वही करना, रो जाना इसके पैर दबाना, छू तो लिया इसने नलायक में। बोलो शनिदेव महाराज की जय। अब कुछ नहीं, चल क्या नाम है तेरा? ठीक से बताना, मालूम बेटे का नाम क्या है? ये कौन है तेरे का नाम? ससुर का? शादी किस दिन हुई थी? चौथा महीना 23 तारीख 2019। कैसा लोग है शादी का? लड़का कैसा होता है? स्कूल में जाने लगा और पेट में दर्द है? कहाँ गया पेट का दर्द? ये कौन सी एक्टिंग? रोने का मंदिर कर रहा, जमाई मिल गया इसलिए जमाई नहीं। आदमी भी नहीं है इधर तो सरेंद्र बन रहा था। सरेंद्र के साथ में क्या चला रही है मुझसे, क्या बोल रही है तू? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम बोल रहा हूँ मैं ठीक हो जाओ जल्दी। मुझे अपनी बच्ची की पड़ी है जी, नहीं खड़ा होता बच्चा ही नहीं क्या रहता है बेचैनी किसको होती है? प्रेत दुनिया में उसकी गति तेज होती है, वो घुलन करता है तेजी के साथ, तभी शरीर खेलता है। और अगर उसको लंबा समय हो जाता है तो मन बुद्धि पे नाम Oh!
ये इस तत्व को कोई छेड़ता नहीं है, किसको कितना गहरा तत्व है और किसको कितनी गहन बीमारी है, किसको कितना पुराना तत्व है, इसलिए कोई इसको छेड़ता ही क्यों नहीं जाप करवाएंगे, ऊपर चले जाएंगे बोल। अरे कुत्ते तो सारे जहर खा के मर जाओ जो काटने वाले हैं पड़कने हैं। बहुत छोटा हो गया, दर्द खत्म हो गया ना इसके, दर्द है दर्द नहीं है, सूजन खत्म होगी। चल भाई परिक्रमा लगा इसके साथ, जय श्री देव। कौन आया इसके साथ, कितने साल से बीमार रहती है? नहीं, ये नारायण साकार हरि क्या पकड़ा गया, कुछ उसके कमीने भक्ति धर्म करके हैं। 5 साल ये होता बेटे, 5 साल तो वो भी कह रहा था, 5 साल है। उसकी माँ बीमार, उसकी बहनें बीमार सारी, उसका भाई बीमार, उसकी सास बीमार, 5 साल कहाँ होता है, 5 साल होता ही नहीं है। 5 साल तो हमने मांग लिया था, तो आपके अंदर रहते रहते 20-20 साल गुजार जाता, 30-30 साल, फिर वो एक दिन में कैसे निकलेगा, फिर वो अपने हिसाब से ही निकलेगा, वैसे ही निकले। बोलो जय श्री कृष्ण। कल से इसमें कोई परिवर्तन आया है, वैसे ही बराबर परिवर्तन नहीं है, कम